होश में आओ, होश में आओ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताला बजारी बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी ये सरकार, समाजवादी पार्टी बंद करो, किसान विरोधी ये सरकार, खाद बीज की काला बाजारी बंद करो। सब सोसाइटियों पे खाद आती है, इस सोसाइटी भी उसी सिस्टम में खाद आई, लेकिन यहाँ पे खाद किसानों को नहीं बांटी गई। किसान परेशान है, खाद किसानों का कहना है खाद आई, लेकिन राती रात में कहाँ चली गई ये पता नहीं चला। किसानों को अभी तक एक बोरी खाद भी इस सोसाइटी से नहीं मिली है, इसीलिए हम लोग किसान यहाँ धंधे पे बैठे, इन्हें हमें समझ लगी। हम लोग यहाँ डॉक्टर दिलीप यादव जी के साथ यहाँ आए। सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में इस बुवाई के समय रवि की फसल चल रही है और इसमें खाद की व्यवस्था की जाती है, जिसमें खाद की महंगाई के वजह से लोग भी इस परेशान थे, परंतु ऐसी स्थिति में भी खाद हर साधन सहकारी समिति में भेजी जाती है। यहाँ मठसेना में खाद भेजी गई, लेकिन किसानों को एक बोरी भी किसी ने खाद नहीं दी। वो आखिर खाद गई कहाँ, ये बड़ा जांच का विषय है और चिंता का विषय है। यहाँ सेक्रेटरी साहब है ही नहीं, ताला लगा के चले गए, रुको रुको, ताला लगा के चले गए, और यहाँ कोई खबर देने वाला नहीं। हमने एसओ साहब से भी कहा, भैया जरा बुलवा दो, तो बताई गई बुखार उखार आ गया है। अब क्या है सच्चाई, क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ सब किसान इकट्ठे हुए, लोगों ने हमें फ़ोन किया, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारी ये मांग है किसान के हित में, इनको खाद मिलनी चाहिए, खाद नहीं मिल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ हम लोग मुकदमा भी करा सकते हैं और तहरीर भी देंगे, ज्ञापन भी देंगे। आखिर जो खाद आई यहाँ के साधन सहकारी समिति मठसेना पर, वो कौन ले गया, ये खबर मिल रही है। रात को खाद आई और रात को ही चली गई, इसका मतलब ब्लैक में खाद भेज दी गई और कहीं पर। ये काला बाजारी जो हो रही है, समाजवादी पार्टी के लोग किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष जी साथ बैठे हैं, हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं और 5 दिन का हम लोग अल्टीमेटम देते हैं। ये खाद नहीं आई, खाद नहीं मिली, हम लोग जिले पे किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में आंदोलन करेंगे। किसान हमारा ऐसा गरीब है जो इसी कमाई से, खेती की कमाई से बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों की शादी कराता है, मकान बनाता है, परिवार को चलाता है, जीविका चलाता है, बीमार हो जाए तो इलाज कराता है, क्या करे। इस समय डेंगू की हालत खराब है, लोग परेशान हैं, स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही सही, और यहाँ खाद भी नहीं मिल पा रही। अब कैसे खेती में पैदा कर पाएगा, कैसे आलू की बुवाई कर पाएगा, कैसे फसल में फसल कर पाएगा, इसीलिए जो दोषी उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कराएंगे। यहाँ धरने पर सब किसानों के साथ हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई उच्च अधिकारी आए बताए, उसके बाद हम लोग 5 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, इस बात के लिए कि हम लोग किसानों के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए लड़ाई लड़ती है। वर्तमान सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, किसानों पर कुचक्र चलाना चाहती है, ये समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला